नोट्स दे रखे हैं या नोट्स पूछे हैं? पूछे, मगर हमको क्वेश्चन ने थोड़ी सी हेल्प दे रखी है रूट्स के लिए। कह रखा है कि रूट्स जो है वो a प्लस बी और a प्लस टू बी के फॉर्म के, हाँ या ना? वो दे रखे कि नहीं दे रखे? a और b के टर्म्स में दे रखे है ना। तो a और b के टर्म्स में हमको रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन ने। तो चलिए रूट्स निकालते हैं बच्चों। पहला पेयर, पहले पेयर में a की वैल्यू क्या आई है? b की वैल्यू कितनी? माइनस थ्री। आइए तो रूट निकालते हैं। a पहला, अल्फा इक्वल टू क्या है? a, और a की वैल्यू कितनी? तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 5। अगला रूट क्या है? बीटा इक्वल टू क्या है? a कितना आया? 5। और जिस समय a 5 उस समय b कितना आया? -3। और 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2। अगला रूट क्या है? गामा। गामा की वैल्यू क्या है? a प्लस 2b। a कितना आया? 5। कौन बोल रहा है? देखता हूं। हाँ, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 इंटू माइनस 3, तो आंसर 5 माइनस कितना? 6। आंसर कितना? अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 5। बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, तो पहला जोड़ा रूट का ये निकल गया है। बोलो हाँ। अब दूसरा जोड़ा निकालेंगे। दूसरा जोड़ा इसलिए निकालेंगे क्योंकि a और b की एक वैल्यू और आई है। बोलो हाँ। तो चलिए दूसरे जोड़े के लिए तैयार हो जाइए। दूसरे जोड़े में a की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू कितनी? 3। तो पहला अल्फा इक्वल टू a इक्वल टू कितना? दूसरा बीटा इक्वल टू क्या है? a प्लस b, मतलब माइनस 1 प्लस 3 कितना? 2। ओनली 2 बेटा, 3 में से 1 का 2। गामा इक्वल टू a प्लस 2b, a कितना? 1। और 2 इंटू कितना? 3। तो ये हुआ माइनस 1 प्लस 6 कितना हुआ? 5। तो तीन रूट निकले, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना? -1। बीटा कितना? गामा कितना? 5। 1 माइनस 1 टू 5। नोट करिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है ना, रिलेशनशिप की वजह से आपने प्रूव कर लिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अरे बेटा आ सकते हैं।